हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा न्यू टॉपिक है साउंड ऑफ आई। आई की साउंड, आई को क्या बोलेंगे हम? ई। आई को ई। अब इसमें हमारे है पहले कॉन्सोनेंट साउंड, देन वोवल साउंड, देन कॉन्सोनेंट साउंड। इसको हमने फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो, हम इसके अंदर हमने टू पार्ट्स लिए हैं, पहले वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल लिए हमारा ई, ये हमारा ई, आई ई, आई ई, ये हमारा वोवल। देन उसके बाद हमने लिए कॉन्सोनेंट साउंड एन, ई एन, इन, ई टी, इट, ई ग, इक, ई ड, इड, ई प, इप, ये हमारे साउंड। ठीक, अब इसको हमने कंप्लीट करना है कॉन्सोनेंट साउंड लगा के। हमारा फर्स्ट है जैसे, अब इन, इनको हमने इनका पहले हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड बी आई एन, बीन, डी आई एन, डिन, एफ I N, फिन, P I N, पिन, K I N, किन, T I N, टिन, और देन लास्ट है हमारा W I N, विन। अब इसको हम बोलेंगे कैसे? ब ई न बिन, ड ई न डिन, फ ई न फिन, प ई न पिन, क ई न किन, ट ई न टिन, व व बोलते हैं, डब्लू को व बोलते हैं, व ई न विन। अब उसके बाद है हमारा इट। इट के साथ हम कॉन्सोनेंट साउंड लगा के हम कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे। वर्ड है हमारा बी आई टी, ब इट बीट, ल इट लिट, प इट फिट, क इट किट, प इट पिट, स इट सिट, ब इट बिट, ल इट लिट, फ इट फिट, क इट किट, प इट पिट, स इट सिट, देन लास्ट ह ई ट हिट। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट है इग, ई ग इग। अब इग से हम वर्ड्स बनाते हैं, बी आई जी बिग, डी आई जी डिग, एफ आई जी फिग, जे आई जी जिक, आर आई जी रिग, डब्ल्यू आई जी विग, और पी आई जी पिग। अब इसके अंदर देखो, ब ई ब, बी को ब बोलेंगे, ब ई ग बिग, ड ई ग डिग, ग बोलते हैं जी को, ग बोलते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जी को आप ज बोलते हो, जी को ग बोलते हैं, ड ई ग डिग, फ ई ग फिग, जे ई ग जिग, र ई ग रिग, व ई न विन, प ई न, प ई ग पिग। देन हमारा ये है इड। अब इड से वर्ड शुरू होते हैं, बी
आई डी बिड डी आई डी डिड एच आई डी हिड के आई डी किड एल आई डी लिड आर आई डी रिड। अब इसको बोलेंगे कैसे हम ब ई ड बिड ई ड इड इड। पहले हम इसे बोलना सीखेंगे, जब हम फर्स्ट वर्ड जो हमारे ये है इग इग इड इप, हमें ये चीज बोलने जब ये चीज बोलने आ जाते हैं उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड हम आराम से बोल सकते हैं। ब ई ग बिग ब ई ड बिड ड ई ड डिड ह ई ड हिड क ई ड किड ल ई ड लिड र ई ड रिड। ओके स्टूडेंट, देन हमारा लास्ट है ईप ई प, पी को प बोलेंगे ईप। ईप के हमारे सेंटेंस वर्ड्स हैं डी आई पी डिप एच आई पी हिप एल आई पी लिप एन आई पी निप पी आई पी पिप आर आई पी रिप और जेड आई पी जिप। ड ई प डिप प ई प पिप ल ई प लिप न ई प निप ह ई प हिप र ई प रिप ज जेड को ज बोलते हैं ज ई प जिप। अब इस तरीके से हमारे आई के साउंड के सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से हमें हमें बस ये चीज याद रखना है कि इनके कौन इनके वर्ड्स हैं इट इग इड और इप। इप से फिर हमें कॉन्सोनेंट साउंड लगा के हमें अपने वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमारे साउंड ऑफ आई कंप्लीट होती है।